गुड आफ्टरनून अल्लाह हाफिज। ओके, आज हम लोग देखेंगे बॉलर माउंटिंग। बॉलर माउंटिंग क्या होता है देखिए, दीज आर डिफरेंट फिटिंग एंड डिवाइस विच आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन एंड सेफ्टी फॉर ए हाफ फिट बॉयलर। यूजली दीज डिवाइस आर माउंटेड ओवर बॉयलर शेल इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। द फॉलोइंग माउंटिंग शुड बी फिटेड टू द बॉयलर। क्या दे रखा है देखिए, टू सेफ्टी वाल्व्स, टू वाटर लेवल इंडिकेटर, ए प्रेशर गेज, ए स्टीम स्टॉप वाल्व, फ्लूइड चेक वाल्व, ए ब्लू ऑफ वाल्व, एन अटैचमेंट फॉर इंस्पेक्टर टेस्ट, इंस्पेक्टर टेस्ट गेज, ए मैन होल, मड होल, स्लाइट होल्स। बॉयलर ऑफ लंकाशायर एंड कॉर्निश टाइप शुड बी फिटेड विद हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉयलर ऑफ लंकाशायर एंड कॉर्निश टाइप शुड बी फिटेड विद ए हाई प्रेशर एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, एंड ऑल लैंड बॉयलर शुड हैव फ्यूजिबल प्लग इन ईच फर्नेस। ऑल लैंड बॉयलर शुड हैव फ्यूजिबल प्लग इन ईच फर्नेस। हर फर्नेस में क्या लगाएगा, फ्यूजिबल प्लग लगा रहेगा। बॉयलर एक्सेसरीज क्या क्या दे रखा है देखिए, दीज आर ऑक्सिलरी प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टीम बॉयलर फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन एंड फॉर द इंक्रीज ऑफ एयर एफिशिएंसी। कॉमनली यूज्ड इन बॉयलर एक्सेसरीज आर हीट पंप, इंजेक्टर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर, स्टीम ट्रैक। ओके, तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं बॉयलर, फर्स्ट देखते हैं बॉयलर माउंटिंग कौन सा है। वाटर लेवल इंडिकेटर, देखिए आप लोग को फंक्शन ध्यान देना है, क्या क्या फंक्शन होता है इसका। द फंक्शन ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर इज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर, इज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर कॉन्स्टेंटली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर गेज। नॉर्मली टू वाटर लेवल इंडिकेटर आर फिटेड फ्रंट एंड ऑफ एवरी वाटर लेवल इंडिकेटर। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, वाटर लेवल यहाँ दे रखा है, बॉयलर प्लेट लगा हुआ है, स्टीम एंटर करता है यहाँ से, ठीक है, ओके, वाटर एंटर करता है से, ओके, ये फिगर हो गया। इसके बाद क्या क्या दे रखा है, व्हेन द बॉयलर ड्रम इज सिचुएटेड एट अ कंसीडरेबल हाइट फ्रॉम द फ्लोर, द वाटर गेज ऑफन इंक्लूड इंक्लाइंड टू ए टू मेक द वाटर लेवल फिजिबल फ्रॉम एनी पोजिशन। वेन द वाटर बींग हीटेड इन द बॉयलर ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम, द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर सेल गोज ऑन डिक्रीजिंग। फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉयलर द वाटर मस्ट बी केप्ट एट सेफ लेवल। इफ द वाटर लेवल फॉल्स बिलो द सेफ लेवल एंड द बॉयलर गोज टू प्रोड्यूसिंग स्टीम विदाउट द एडिशन ऑफ द फीड वाटर, ओके, great damage like crack and leak can occur to the part of the boiler which is in uncovered from water. This can result in stoppage of steam generation and boiler operation. आपको ये चीज ध्यान देना है कि वाटर का लेवल बना रहे, अगर आप वाटर नीचे तो लेवल से कम नीचे काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, ठीक है। इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लास ट्यूब वाटर लेवल ग्रुप ए इज फ्रंट ऑफ प्लेट रखा है। आपको फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या फंक्शन है वाटर लेवल इंडिकेटर का। आपको इंडिकेट करता है कि वाटर का लेवल कितना है आपके स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ओके। सेकंड से देखिए क्या दे रखा है आपका, प्रेशर गेज दिस फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज टू मेजर द प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द वेसल। द गेज इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द शेल ऑफ द ड्रम। ये आपका पोजिशन, देखिए आपको फंक्शन और पोजीशन याद रखना है। द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज टू मेजर द प्रेशर एंड एक्सर्टेड इनसाइड द वेसल। द गेज इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द शेल, फ्रंट टॉप ऑफ द शेल ऑफ द ड्रम, ओके। इट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड टू इंडिकेट अप टू डबल द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। इट्स डायल इज वैल्यूटेड टू रीड द प्रेशर इन द केजे पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज। एटमॉस्फेरिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एंड डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज। ए पॉइंटर व्हिच रोटेट्स ओवर द सर्कुलर प्लेट इज क्लियर इंडिकेटर द कर्व। ये आप देखिए प्रेशर गेज आपको दे रखा है, डायफ्राम प्रेशर गेज का आप यूज करते हैं हाई प्रेशर गेज के लिए, बर्डन प्रेशर गेज करते हैं हम लोग मीडियम प्रेशर गेज के यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है लोकेशन, लोकेशन कहाँ होता है, फ्रंट टॉप ऑफ द शेल,
फ्रंट टॉप ऑफ द शेल्फ लगा होता है और फंक्शन क्या होता है, मेजर द प्रेशर एग्जर्टेड इनसाइड द वेसल। सिमिलरली हम लोग अगर वाटर लेवल इंडिकेटर बात करें, द फंक्शन ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर टू डिक्लेयर द लेवल ऑफ वाटर इन द वेल ऑफ जैसे फॉर वाटर गेज नाम है टू टाइप टू वाटर लेवल इंडिकेटर ऑफ फिटेड एट द फ्रंट एवरी फ्रंट एंड ऑफ एवरी बॉयलर। ठीक है, फ्रंट एंड लगा होता है वाटर लेवल कहाँ लगा होता है, फ्रंट एंड लगा होता है सभी बॉयलर के, और प्रेशर गेज कहाँ लगा होता है टॉप लेवल पर, फिर की टॉप लेवल पर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ओके ये सब फंक्शन हो गया। सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व भी क्या क्या है इसमें, द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व इज टू रिलीज एक्सेस स्टीम व्हेन द प्रेशर ऑफ इनसाइड द बॉयलर एक्सीड्स द रेटेड प्रेशर। एज सून एज द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द रेटेड प्रेशर द सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन्स द एक्सेस स्टीम प्रेशर आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, केस द प्रेशर ड्रॉप डाउन द नॉर्मल वाल्व, नॉर्मल वाल्व वैल्यू द सेफ्टी वाल्व इज जनरली माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द शेल। ओके, एज पर बॉयलर रेगुलेशन एवरी बॉयलर मस्ट फिटेड एटलीस्ट विथ टू सेफ्टी वाल्व्स। देखिए यहाँ पे कितना लगा होता है, एटलीस्ट टू सेफ्टी वाल्व लगा होता है। द वेरियस टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व आर नेमेड एंड डिस्कस आर द बिलो, डेड वेट सेफ्टी वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड वाटर सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व क्या क्या दे रखा है देखिए। डेड वेट सेफ्टी वाल्व आपको दे रखा है, ये पूरा इसका वर्किंग आप इसमें देख लीजिएगा फिर ये पूरा। ठीक है, लीवर सेफ्टी वाल्व देख लीजिएगा फिर ये पूरा, इसमें नोट भी देख लीजिए। ठीक है, अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटिंग क्या क्या है। फ्यूजल प्लग, द फंक्शन ऑफ फ्यूजल प्लग इज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग, अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग फॉर द लो वाटर लेवल। इट इज फिटेड ऑन द फायर बॉक्स क्राउन प्लेट और ओवर द कंबशन चैम्बर एट अप्रोप्रिएट प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर लगाता है, अबव द इट इज फिटेड ऑन द फायर बॉक्स क्राउन प्लेट, इट इज फिटेड ऑन द फायर बॉक्स क्राउन प्लेट ओवर द कंबशन चैम्बर या ओवर द कंबशन चैम्बर। ए कॉमन फॉर्म ऑफ फ्यूजल प्लग इज कंसिस्ट ऑफ हॉलो गनमेटल बॉडी स्क्रूड इनटू द हॉलो, किस मेटल बना होता है हॉलो गनमेटल बॉडी बना होता है स्क्रूड इनटू द फायरबॉक्स फ्रॉम बॉडी हैज हेक्सागोनल प्लेन इज टाइटन इनटू द शेल। ए गेट मेटल प्लग हैविंग ए हेक्सागोनल प्लेन स्क्रूड इनटू द गनमेटल बॉडी, there is another halogen metal plug separate from the metal plug by the annulus of the fuel meter. The fuel meter is protected from the fire, protected from fire by flame on the below halogen metal plug. Okay, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, कैसे क्या होता है, the steam and water being under pressure immediately rush into the firebox and extinguish. ठीक है, देखिए जब फ्यूजल प्लग हीट करे तो क्या होता है, द फ्यूजल प्लग बिकम्स ओवर हीटेड एंड इज मेल्ट विद द रिजल्ट ऑफ दैट हॉलो गन मेटल प्लग फॉल्स डाउन मेकिंग ए होल, फॉल्स डाउन मेकिंग ए होल, द स्टीम एंड वाटर बीइंग अंडर प्रेशर इमीडिएटली रशेस इनटू फायर बॉक्स एंड एक्सटिंग्विश द फायर। द फ्यूजल प्लग स्विच हैव जनरली बी रिमूव्ड after a period of about 2 years as they are liable to become defective over a long period of use because there are any sensitivity to it or on site and skeleton on the of the other. Blow of fog a vacuum performs the function, it may discharge a portion of water when the boiler is in operation as to blow out mud at cell is remanded, it may empty the boiler when necessary for cleaning, inspection and repair. It is fitted on the boiler shell directly or in short runs a pipe at the lowest part of the water space. When more than one boilers are working and they drain in the same waste pipeline, an isolating valve is necessary to prevent
prevent the discharge of one baller from entering into the other. ठीक है, फिर चेक वाल्व क्या कह रहा है फीचर उसमें, फिर चेक वाल्व द फंक्शन ऑफ फिर चेक वाल्व इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉलर एंड टू द प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉलर व्हेन द पंप प्रेशर इज लेस और पंप इज डिस्टर्ब द फिर चेक वाल्व इज फिक्स्ड ऑन द वाटर स्पीड ऑफ द बॉलर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लेवल ऑफ द वाटर. ओके, फीड पंप अब देखिए तो हो गया आपका, बॉलर माउंटिंग कंप्लीट हो चुका है. अब हम देखते हैं